हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। यह जो नया अपडेट निकल गया है, ये अपडेट निकल गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अब पीएचडी में जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है 2024 का आने वाला है तुरंत। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे कि इसके लिए क्या क्या यूनिवर्सिटी ने तैयारियाँ कर ली है और किन बेस पर यहाँ पर एडमिशन होगा, तो पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलेगा यहाँ पर। तो आपको पहले बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ में है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट को 50% रिजर्वेशन है एडमिशन में। ये भी बात आप गौर कर लीजिए कि यहाँ पे एससी एसटी स्टूडेंट को जो अप्लाई करेंगे वहाँ पर 50% सीट उनके लिए रिजर्व है, यह है यहाँ पे। तो और इसीलिए यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तुरंत, तो इसी से रिलेटेड एक अपडेट आया है। तो बिना देरी किए चलते हैं उस अपडेट पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि यहाँ पर फेलोशिप न नेट, यूजीसी नेट न और जितने भी फेलोशिप हैं वहाँ पर यहाँ पर मिलते हैं। यह जो अपडेट निकल के आया है, ये अपडेट निकल के आया है अमर उजाला से है और ये 29 अक्टूबर का ही अपडेट है और संवाददाता लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि बीबीयू यूजीसी नेट के परिणाम के आधार पर होंगे पीएचडी में के दाखिले। आगे क्या लिखा है वो भी बता देते हैं आप। तो लिखा है लखनऊ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार यूजीसी नेट के परीक्षा परिणाम के आधार पर पीएचडी कोर्स में दाखिले होंगे। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अलग से कोई परीक्षा नहीं कराएगा। पीएचडी में प्रवेश के लिए इसी सप्ताह से पंजीकरण शुरू होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पहली बार नेट की परीक्षा का परिणाम 3 श्रेणियों में जारी किया है। इसमें पहली श्रेणी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ, दूसरे श्रेणी में नेट और तीसरी में क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी शामिल है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय को जटिल व खर्चीली प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त कराना था। इस सत्र से बीबीयू प्रशासन ने इसी व्यवस्था के तहत प्रवेश के लेने की योजना तैयार की है, जबकि पिछले वर्ष बीबीयू के 4 विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था, जिसकी परीक्षा एनटीएन ने कराई थी। इससे पूर्व विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर दाखिले लेता था। विश्वविद्यालय में पीएचडी की कितनी सीटें होंगी, पंजीकरण खोलने के बाद विभागवार इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यही है आगे क्या है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि आपको कि जीआरएफ से को मिलेगी प्राथमिकता। तो यहाँ से जीआरएफ वालों को प्राथमिकता मिलेगी। और इसमें लिखा है कि प्रवेश प्रक्रिया में प्रत्येक सीट पर जीआरएफ को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद नेट पास अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, फिर जो सीटें खाली बचेगी उन पर पीएचडी के लिए क्वालिफाइंग हुए अभ्यर्थियों को दाखिले दिया जाएगा। प्रवेश के लिए सभी आवेदकों को साक्षात्कार देना होगा। इसके लिए 30 अंक निर्धारित होंगे। जिन कोर्स में कोई भी जीआरएफ नेट व पीएचडी नहीं होगा उनमें प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। लिखा हुआ है कि जल्द जारी होगी अधिसूचना। तो बीबीयू यूजीसी नेट परीक्षा परिणाम के आधार पर पीएचडी में प्रवेश हो लेगा। इसके लिए अगले दिनों में वेबसाइट पर अधिकृत सूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकेंगे, अश्विनी कुलसचिव कहे हैं विश्वविद्यालय के, जो रजिस्ट्रार का कहना है कि अब तुरंत निकलने वाला है, यहाँ पे बहाली नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो हो सकता है कि दिवाली से पहले निकल जाए या दिवाली के बाद निकले, लेकिन निकलने वाला है तुरंत। तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जल्दी ही आने वाला है। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट बीबीयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट में। आज बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज। इस तरह के अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।